ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं भगवान शिव के 64 स्वरूपों में अगले स्वरूप यानी भुजंग त्रास मूर्ति के बारे में। दारुकन में रहने वाले ऋषि हमेशा तपस्या में लगे रहते थे। वो हमेशा यज्ञ करते थे और वो यज्ञ और तपस्या को ही सर्वोपरि मानते थे। साथ ही जो उनकी पत्नियां थी, जो ऋषि पत्नियां थी, वो पतिव्रत धर्म को ही सर्वोपरि मानती थी। दोनों में आपस में बहस चलती थी कि ये सर्वोपरि है, पतिव्रत धर्म सर्वोपरि है या तपस्या सर्वोपरि है। भगवान शिव ने इन दोनों की परीक्षा लेने की सोची। भगवान शिव और नारायण दोनों ही दारुकुन में पहुंचे। भगवान शिव ने एक दिगंबर भिक्षुक का रूप धारण किया। एक भिक्षुक के रूप में भगवान वहां पर प्रकट हुए। पूर्ण रूप से नग्न थे, किसी भी प्रकार का कोई वस्त्र उन्होंने धारण नहीं किया था। हाथ में एक पात्र था जो भिक्षा मांगने का था। इधर नारायण मोहिनी रूप में प्रकट हुए। जब नारायण जो कि मोहिनी बने थे, मोहिनी को देखते ही ऋषि अपनी सारी तपस्या, सब यज्ञ वगैरह सब कुछ भूल गए और एक पागलों की तरह वो मोहिनी भगवान के पीछे चलने लग गए। इधर भगवान शिव जो कि दिव्य एक भिक्षुक के रूप में प्रकट हुए थे, उनके उस रूप सौंदर्य को देख करके ऋषि पत्नियां भी अपने स्वभाव को छोड़ चुकी थी। वो भी कामातुर हो गई थी और भगवान के पीछे पीछे चलने लग गए। वो इतने ऐसे ऐसे कृत्य कर रही थी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल कामातुर भगवान शिव के पीछे वो चलने लग गए। जब मोहिनी रूप छोड़कर नारायण वहां से अंतर ध्यान हुए, तब ऋषियों को ये सब भूल का पता चला और उन्होंने जाना कि ये सब शिव की ही लीला थी। अब चूंकि उनको अहंकार था, तपस्या का अहंकार था, यज्ञ का अहंकार था, इसलिए उन्होंने वहीं पर विषैले जो वृक्ष थे उनकी टहनियां ली और उन्हें घी में डुबो करके अविचार कर्म प्रारंभ किया, यज्ञ प्रारंभ किया। उस अविचार उस तंत्र यज्ञ से बहुत सारे जीव प्रकट हुए और सब के सब वो जीव भगवान शिव के ऊपर छोड़ गए थे शिव का नाश करने के लिए। किंतु भगवान ने उन सभी को धारण किया, उन्हें अपना लिया और वो सब के सब भगवान के आभूषण बने, उनके वाहन बने। ये सब देख करके ऋषि और भी क्रोधित हो गए। तब उन्होंने विषैले सर्पों को यज्ञ से प्रकट किया और उन्हें शिव पर छोड़ा शिव का नाश करने के लिए। किंतु वो बड़े भयानक जो सर्प थे वो शिव की ओर जब चले तो भगवान शिव ने डरने का नाटक किया। इसी स्वरूप को भुजंग त्रास मूर्ति कहते हैं। जब वो सर्प भगवान के समीप आए तब भगवान ने उनसे कहा कि तुम भी जो बाकी के सर्प, जो बाकी के नाग मेरे शरीर पर आभूषण हैं, उनके साथ ही उन्हें ज्वाइन करो, उनके साथ ही तुम मेरे शरीर में वास करो। तब वो जो संसार को उस विषैले विष से जलाने के लिए तत्पर नाग थे, वो सब के सब भगवान के कंकन बने, जो भगवान के कंगन बने और साथ ही भगवान की चप्पल जो पादुकाएं हैं वो बने और भगवान ने उन्हें कमर पर भी स्थान दिया। यहाँ इस स्वरूप में आप देख सकते हैं भगवान ने बहुत सारी जगह पर उन नागों को अपने शरीर पर धारण किया। इसी स्वरूप को भुजंग त्रास मूर्ति के रूप में जाना जाता है। जब ऋषियों को ज्ञात हुआ कि साक्षात शिव ही परमेश्वर है, तब उन्होंने वहां पर भगवान शिव की स्तुति की। भुजंग त्रास मूर्ति स्वरूप को समर्पित मंदिर तमिलनाडु के पेरुबुलियूर नामक स्थान पर है। यहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना करने से राहु जनित दोष शांत होते हैं। साथ ही यहाँ पर यदि बिलपत्र और गेहूं के साथ भगवान की अर्चना की जाए तो ऋण से मुक्ति भी प्राप्त होती है, सब प्रकार के कर्जे से छुटकारा मिलता है। और यदि यहाँ पर शिवलिंगम का अभिषेक हल्दी मिश्रित जल से किया जाए तो सभी प्रकार के काल दोषों से मुक्ति, जो काल सर्प दोष होता है उससे मुक्ति मिलती है और राहु के जितने भी दोष हैं उन सब से छुटकारा मिलता है। जिन्हें पूरा संसार धुतकार देता है, जिनके जिनका कहीं सम्मान नहीं होता है, उन सब को भी भगवान शिव स्वीकार करते हैं। इसलिए तो बाकी देवी देवताओं को मनुष्य या देवता ही पूजते हैं, किंतु शिव को तो यक्ष, गंधर्व, राक्षस, किन्नर, विद्याधर, नाग, देवता, जो कुछ भी जाति का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, सब कुछ भगवान शिव को पूजते हैं। हर कोई भगवान शिव को पूजता है क्योंकि भगवान शिव हर किसी को समान रूप से दया दृष्टि उनके ऊपर रखते हैं और साथ ही उन्हें स्वीकार भी करते हैं।
उनकी तपस्या उनके भाव को सफल बनाते हैं, इसलिए वो बाकी सब तो देव हैं और महादेव केवल एक ही है। जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।